हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दीदीज चैनल। दीदी को अभी जाना है स्कूल और वो अंदर रेडी हो रही है। मैंने उसको सब अच्छे से पढ़ा दिया है एग्जाम का। बुखार है ना चिक्कू, देखो आज हॉस्पिटल जाके आ फिर, ठीक है? मैं आने तक ठीक हो जाती। मैं अगर हॉस्पिटल जाऊंगा तो डॉक्टर कुछ इंजेक्शन दे के आऊंगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये रहा मेरा बोल मीठा वाला दूध। मतलब मैं बिना बोल मीठा डाले भी दूध पीती हूँ, लेकिन है ना मुझे बोल मीठा डाल के ज्यादा अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है बताओ? अब मैं इसको पी लेती हूँ। हो गया मेरा दूध पी के और आज मेरी है ना साइंस की एग्जाम है, तो चलो हम चलते हैं एग्जाम देने। चलो चौक को खाना दे देते हैं। बेचारा कब से चिल्लाए जा रहा है ऊपर से, और सुबह खाना देने की ड्यूटी है ना मेरी ही रहती है। हाय गुड मॉर्निंग। अरे मेरे से भी नहीं मिल रहा है तो। हाँ गुड मॉर्निंग, मेरा खाना खाए, खाना खाए, मेरा खाना खाए। इतना जोर से खाना खाऊंगा, इतना दबा के खाना खाऊंगा, मैं बस खाना खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। चलो खा लिया तो अपने खाना, अभी नीचे निकलते और जल्दी से एग्जाम के लिए भागते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। जा रही हूँ मैं। जा रही मामा आराम छोड़ने के लिए। हाँ आशीर्वाद दो। अच्छा से लिखना पेपर। हाँ बाय चिकू, जल्दी से ठीक हो जा तू। ये मेरे नाक क्यों गल रही है पता ही नहीं। इधर आओ ना। अब तो मुझे नाक में से गाना गाना। देखो मामा आ गया, वो नीचे ही खड़ा है। अभी मैं जल्दी से निकलती हूँ। मम्मी आप भी आशीर्वाद दो। बाय बाय पापा, लेने के लिए आना ठीक है? देखो गेट लॉक करके रखा है इन्होंने। मम्मी चाबी दो गेट की। हाँ चाबी। बाय बाय आई। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। तो हम सबसे पहले ना मामी को उनके हॉस्पिटल छोड़ेंगे, फिर मामा मेरे को मेरे स्कूल छोड़ेगा। बाय मामा, थैंक यू। तो जब तक मैं एग्जाम दे रही हूँ ना, तब तक आप घर जाओ और घर पे देखो क्या चल रहा है। ओ इधर आओ, देखो इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया। क्या है ये सब? हाँ इतना बड़ा हो गया फिर भी सुसु करने का क्या बेड में? हाँ उठ उठ। रोज सू कर रहा है आजकल रोज। देख अभी सबको पता चल गया। अरे पापा इसमें से बाहर तो निकालो मुझे। वाह 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 वाह, ये जो मेरी झोली है ना, ये एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट झोली है। इसमें मुझे एकदम अच्छे से नींद आती। पापा अब ये काम करो, अभी आप जाओ ये झोली में जाके सो जाओ। ये रहे आपके न्यू सॉक्स। लो। अरे मम्मी ये भी कोई सॉक्स है भला? ये पापा को तो आएंगे भी नहीं, ये तो कितने छोटे सॉक्स है। ये कैसे सॉक्स है ये लंगड़े? यही तो नया ट्रेंड है, ऐसे ही लड़के पहनते सॉक्स। अरे कैसे लड़के पहनते क्या है? ये तो चिकू मुझे पहनेगा। छोटे होंगे। ये सॉक्स पहनते? हाँ फिर। ये आजकल के लड़के खुद भी ट्रेंड ला रहे। क्यों पहन रहे? ये सॉक्स से तो उंगलियां भी कवर नहीं हो रहे। ये सॉक्स है वो? अंकल सॉक्स है। तो नया ट्रेंड के साथ में है ना, लोग घबरा जा रहे। चिकन तो बोल पापा को पहनो बोल के। हाँ पापा मत पहनो वो सॉक्स, खुद भी सॉक्स है वो। आजकल के नए लड़के तो खुद भी ट्रेंड लेके आते, ऐसा भी कोई सॉक्स होता है क्या भला? ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा।
हो गई ये मेरी एग्जाम। और आज साइंस का पेपर इतना इजी और इतना सिंपल था ना, बहुत मजा आया। मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया ना, प्रो हूँ भाई मैं। ये देखो ये रहा मेरा क्लास। तुझे वीडियो ना खूप छान असता, खूप आवडता मला। थँक्यू। कशी गेली तुझी एग्जाम? छान गेली, सिंपल होता सायन्सचा पेपर। हो खूप। तो अभी जस्ट मैंने पापा को कॉल किया था, पापा अभी है ना 10-15 मिनट में आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। हम नीचे चलते हैं, नीचे जाके वेट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं काव्य को स्कूल लेने के लिए। तूने व्लॉगिंग चालू कर दी क्या? नहीं, मैं काव्य का वीडियो कंटिन्यू कर रही हूं। मुझे डर भी लग रहा है बहुत, पर वो कितना अच्छे से कर लेती। फिर वो कितना इजीली, कितना फ्लुएंट कर लेते, बिना रुके बिना अटके। हाँ। कितना एकदम फ्लुएंट बात कर लेती। फिर वो पूरा मार्केट में वो ऐसा कैमरा पकड़ के ऐसा बात करती, सोचो उसके लिए कितना डेयरिंग चाहिए। हाँ वो तो है, बराबर है। देखो इतना इंतजार करने के बाद में मम्मी आ गई। मम्मी पापा दोनों आ गए। मम्मी भी वीडियो निकाल रही है। देखो कैसे गया पेपर? बहुत अच्छा, सिंपल भी था। और सुनो ना मम्मी पापा। हाँ, क्या? मैम ने मेरी तारीफ भी की आज। क्यों? मेरे व्लॉगिंग की मीन्स। अरे वाह। मतलब मैम ने पहले पूछा कि मैंने तेको कहीं देखा है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तेको यूट्यूब पे देखा है। मैंने बोला हाँ मैम मैं यूट्यूब पे हूँ ना। फिर है ना उन्होंने मेरा एक वीडियो, वो 10th बोर्ड का कल का वीडियो मुझे दिखाया, ये तू ही है ना। मैंने बोला हाँ मैम ये मैं ही हूँ। फिर उन्होंने पूरा वीडियो देखा और वो बहुत हंस रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। आपको तो पता ही है कि मेरे दो स्ट्रीट डॉग है, एक तो है जूली और दूसरा है नट। तो नट को है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई थी, वो उठा के लेके गई, उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह होता है उसके लिए। तो उसको है ना वापस लाके उन्होंने ड्रॉप किया ही नहीं। और हमको है ना इधर उधर से पता चला कि है ना जो कुत्तों को 3-4 दिन पहले उठा के लेके गए थे ना, उसको है ना दूसरे वाले एरिया में जाके ड्रॉप किया है। और हमारे घर से वो एरिया है ना 8-9 किलोमीटर दूर है। तो देखो अभी हम है ना ये लोकेशन पे आ गए। अभी हमें नहीं पता कि है ना यहाँ पे स्ट्रीट डॉग को कहाँ ड्रॉप किया था। और यहाँ पे ना अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ग्राउंड है और कितनी धूप है। यहाँ से है ना स्ट्रीट डॉग वो उधर कॉलोनी के साइड चले गए होंगे, यहाँ पे तो कोई नहीं रुकेगा इतनी धूप में। तो फिर भी अभी हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। वो देखो ना मम्मी वो पेड़ के पास नट है क्या? वो नट मैं जाके देख के आऊं। नट नट नहीं है, नट नहीं है ये तो। नट नट नट, हाँ नट बोलते ही वो भाग के आता था, ये नट नहीं है। चलो पापा, नहीं था वो। तो हमने ना नट को बहुत ढूंढा और उसको आवाजें भी लगाई, लेकिन बैठा रहा है वहाँ पे। वो देखने तो देखो मम्मी आवाज दो उसको। नट 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 दूसरा दिख रहा है, वो नहीं है, ये नहीं है शायद, नहीं है ये। हम एक काम करते हैं ना पप्पा। हाँ। जूली को लेके आ जाते हैं और उसको बोलेंगे नट को ढूंढने के लिए। जूली देखिए हाँ भाग के आ जाएगा। जूली यानी मेरी दूसरी वाली स्ट्रीट डॉग, वो अगर यहाँ पे आ जाएगी ना तो है ना वो ढूंढेगी ना तो मिल जाएगा और वो भाग के भी आ जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वो नट है? नहीं नहीं वो नट नहीं है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नट है ना घर ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, 5-6 दिन लगेंगे उसको, लेकिन वो आ जाएगा। मामा को फोन लगा के बोलो जूली को लेके आए यहाँ पे। ठीक है मम्मी लगाओ तो फोन, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, कर लेते हैं ना ट्राई। देखो अभी हम ढूंढ ही रहे हैं इधर उधर, बताओ अभी आप ही कि कैसे मिल सकता है नट अभी हमें। वो उधर एक बैठा है। हाँ दिख रहा है, आवाज दो क्या? हाँ दे तो आवाज दे। नट नट, चलो मम्मी नट नहीं है वो, नहीं है वो। नहीं है, चलो 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 मिल जाएगा। चल अरे वो सब स्ट्रीट डॉग एक जैसे दिखते ना, इसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अपना है क्या है। जब तक हम नजदीक जाके नहीं देखते तब तक। मामा आ गया। आ गया आ गया मामा। जूली का है सामने बैठी है क्या? पीछे बैठी हूँ। वो देखो कैसे बैठ के आई है खिड़की खोल के। हे जूली, हाय जूली, हाउ आर यू? हाय ढूंढ के ला उसको।
हाँ देखो सही क्या देखा क्या। चलो देखते चल जूली जूली चल नट गुरु चल 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 जूली उसको शायद सच में फील हो रहा है। हाँ फिर नट अगर यहाँ से नट गुजरा होगा ना हाँ? तो उसको बराबर उसके ना स्मेल आ रही है उसको। अच्छा। नट नहीं मम्मी ये नहीं है। मम्मी नहीं मिल रहा नट कैसे होगा? नहीं मिल रहा पापा नट। अब नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? घर पे मिलेंगे। हो सकता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने उसको लाके छोड़ा ही ना हो। अभी भगवान ही जाने कि नट कहाँ होगा, लेकिन है ना हमने हमारी पूरी कोशिश की उसको ढूंढने की। इधर कॉलोनी में भी नहीं दिख रहा हो इधर कहीं। टीकू क्या कर रहा तू? अरे तुम टेंशन मत लो, वो इंसान नहीं कुत्ता है और वो ज्यादा समझदार है। वो घर ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा कुछ दिनों के बाद में। ये देख तेरे लिए क्या लाया। कड़वा वाला चॉकलेट कौन खाएगा? खा ले खा ले। चॉकलेट बच्चों वाली चीज है, मैं ये चॉकलेट बिकले नहीं खाता। कड़वी वाली? हाँ दवा पी लूंगा मैं कड़वी वाली एक बॉटल। चॉकलेट को ना नहीं बोलते। अरे मुझे नहीं खाना ये चॉकलेट। अरे नहीं नहीं अच्छा चलो ठीक है, इतने प्यार से खिला रहे हैं तो मैं खा ही लेता हूँ ना चॉकलेट ये। उसने वैसे ही खा लिया। आकर आकर आ अब मैं ये चॉकलेट खाऊंगा तुमको आ करके दिखाओ। खा लिया उसने, कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं था उसके। मुक्का भी खा लेगा? मैं मुक्का भी का नहीं खाऊंगा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी गोल्ड की रिंग पहनी है ना ये चाहिए मुझे। दादा ने मेरे को दी ये, मैंने मेरे लिए ली। अब ये दोनों, एक मैं कृष्णा के लिए दूंगा बड़ी वाली और ये छोटी वाली तेरे लिए, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब दूंगा। तो इसका मतलब आप ये अंगूठी हमको कभी नहीं देने वाले? ये तो चीटिंग हुई पापा। ये तो पापा की रहेंगी। ये मेरी रहेंगी हमेशा। मम्मी ने दी है ये मम्मी ने दी वाली है चांदी की। और मेरे को चेन लेंगे गले की। पापा नहीं चाहिए मुझे चेन। तेरे को अगर गले की चेन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, फटाफट मुझे गले की चेन दे दो। इधर तो बंटवारा ही चालू हो गया बाबा। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और हाँ मैं होप करती हूँ कि है ना नट घर ढूंढते ढूंढते वापस आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक करके रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ना अपने गाँव 2 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली ले जाना चाहती हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, मेरा गाँव है यूपी में बस्ती जिला हरैया और अयोध्या के पास। क्या यहाँ से है ना मैं 25 को निकलने वाली हूँ गाँव जाने के लिए। आप रेडी हो ना मेरे गाँव के ब्लॉग्स के लिए? तो बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।